हम लोग थोड़ा सा बेहतर करने का प्रयास करते हैं ताकि और जगह से हम लोग थोड़ा सा बेहतर कर सकें। गाइस तो कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं आपका चहेता दुर्गेश तिवारी लेके आ गया हूँ एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये जो पीछे दिख रहा है ये स्कूल, ये मेरा अपना स्कूल रह चुका है। मतलब कि मैं इस स्कूल में आज 2 साल बाद जाने वाला हूँ। मतलब कि यार, मैंने 10th तक यहीं तक पढ़ाई की थी और मुझे पता चला यहाँ साइंस एग्जीबिशन होने वाला है, तो मैं आज फट से दौड़ के आ गया। तो देख सकते हैं हमारा GS रेसिडेंशियल स्कूल। तो गाइस, मैं आज 2 सालों के बाद अपने स्कूल में जाने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, देखते हैं हमारे सर लोग हमें पहचान पाते हैं कि नहीं। और मैं आज इतना कोशिश तो जरूर करूंगा कि हर एक हमारे जो पुराने टीचर हैं उनके साथ सेल्फी लेकर अपने पुराने यादों को ताज़ा करूंगा। तो चलिए चलते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, अब है जो अपना स्कूटी पार्क करने गया है, स्कूटी पार्क करके फिर चलेंगे अपने स्कूल का साइंस एग्जीबिशन देखने। बहुत ही यूनिक यहाँ का, अब हमें भी नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम मैं जब था इस स्कूल में तो साइंस एग्जीबिशन कभी मना नहीं कोरोना की वजह से। तो चलिए आज मैं इस स्कूल का साइंस एग्जीबिशन देखूंगा, पूरा एक्सप्लोर करूंगा। चलिए चलते हैं। दुर्गेश का अपने स्कूल में स्वागत है, मैं ही स्वागत कर देता हूँ। चलिए हम देखते हैं कि हमारे टीचर हमें पहचान पाते हैं कि नहीं। ये तो मेरे लिए बड़ा टारगेट हो गया, मैं हर एक टीचर के साथ आज सेल्फी लेने वाला हूँ और अपने मतलब कि ओल्ड मेमोरीज को थोड़ा ताज़ा करने वाला हूँ। चलिए चलते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, हमारे आज का मतलब मेरा टारगेट है सभी टीचर लोगों के साथ सेल्फी लेना। तो हमारे अभी आकाश सर मिल गए हैं। सर कैसे हैं आप? परफेक्ट। 2 साल से के बाद मिल के पहचान गए? 2 साल हुआ नहीं, पहचान नहीं रहे हैं। हाँ सर, पहचान नहीं रहे, क्या वजह? सर फिलहाल सर पहचान लिए हैं। आते आते आज सब्सक्राइबर मिल गया, हमारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर। बहुत बहुत खुशी होता है इन लोगों से मिलकर। यार सब्सक्राइबर मिल जाते हैं तो बहुत एक अलग ही जुनून आ जाता है अंदर से कि चलो यहाँ भी हमारे सब्सक्राइबर है। प्रणाम सर जी, पहचान रहे सर? कहाँ? दुर्गेश तिवारी सर। कहाँ है इस समय? सासाराम में रहते हैं। यूट्यूब चला रहे हैं सर? यूट्यूब व्यूअर यूट्यूब दिखाने वाले तो क्या करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं सर। अभी हमारे सबसे फेवरेट टीचर मिल गए, हमारे संतोष सर। सर कैसे हैं? और सर आज का मेरा टारगेट है कि सभी अपने पुराने टीचर्स के साथ सेल्फी लेना। अच्छा, चलिए। अभी हमारे अंशु सर है सामने, जिससे पूरा स्कूल डरता था, उनसे बात करते हैं थोड़ा सा। आइए सर, और सब बताइए हाल चाल। सब बढ़िया है सर। भूले हैं कि पहचान? नहीं, एकदम पहचान रहे हैं, कैसे भूल सकते हैं सर। सर कैसा लग रहा है आज के दिन? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग पिछले साल भी किए थे और हम लोग इस साल भी किए हैं। हम लोग थोड़ा सा बेहतर करने का प्रयास करते हैं ताकि और जगह से हम लोग थोड़ा सा बेहतर कर सकें। तो हमारे स्कूल का बात ही अलग है, लेकिन यहाँ के लड़के इतने टैलेंटेड कि आप सोच नहीं सकते हैं। यहाँ से कुछ करके नहीं, लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है लड़कों को, कुछ करना चाहिए। तो एक सर के साथ सेल्फी लेंगे हम लोग, अगर फोटो ले। प्रणाम सर, बढ़िया है सर। अभी हम अपने अभिरंजन सर से थोड़ा सा बात करेंगे। सर कैसे हैं? और सर हालचाल, पहचान रहे हैं ना सर? अरे हाँ यार। अच्छा चल रहा है ना ब्लॉग? हाँ एकदम, बहुत बढ़िया चल रहा है। एक्चुअली हम लोग इतना बिजी हैं ना इस शेड्यूल में, समझ रहे हैं। अदरवाइज आई विल मोस्टली गिव यू टाइम।
अनफॉर्चुनेटली वी आर मच बिजी। अब पूरा अभी पता नहीं, और सब टीचर मिलेंगे तो उन लोग को भी लेंगे। चलिए अभी घूमते हैं बेहतर पल को और बहुत ही अच्छा से एक्सप्लोर करते हैं। चलिए अब शुरू से करते हैं, आइए। भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति है जो हमारे पूरी में स्थित है उड़ीसा में, और यहाँ की ये इंडिया स्थित है। ये भगवान जगन्नाथ जी और इनके भाई बलधर्मा और उनकी बहन सुभद्रा जी की मूर्ति यहाँ पे स्थित है। चलिए हम आपको इसी पे एक कथा सुनाते हैं। कथा यही ऐसे ही है कि भगवान की बहन ने एक दिन इनसे कहा कि हमें नगर घुमाने लेके चलिए। तो नगर घुमाते टाइम इन्होंने कहा कि 15 दिनों तक ये अपनी बहन के मासी के घर पे रुक गए थे। तो उन्हीं 15 दिनों तक भगवान को बुखार आ गया था, इसलिए हर साल 15 दिनों के लिए भगवान की मंदिर को बंद किया रखा जाता है। कहा जाता है कि इन्हीं 15 दिनों तक भगवान को फिर से बुखार आता है। चलिए आपको इस मंदिर के बारे में विचित्र बातें बताते हैं। इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत साइड फैरता रहता है। यहाँ तक ये नीला चक्र आप कहीं से भी, सिटी के कहीं से भी देखेंगे इसे, तो आपको लगेगा कि ये नीला ध्वज आप ही के सामने दिख रहा है। और यहाँ तक कि ये भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। जगन्नाथ टेम्पल में जो जगन्नाथ भगवान है वो भगवान विष्णु के 8वें अवतार है। यहाँ तक कि भगवान को 12 साल पे जब जब बदला जाता है। कहा जाता है इनके हृदय को जब भी कोई देख लेगा तो इस धरती पे रह नहीं सकता, इसलिए पंडित तक भी यहाँ पे आँख बंद करके इनका मूर्ति बदलते हैं और इनके हाथ में कुछ पहना दिया जाता है कि भगवान को कैसे भी चोट ना पहुँचे। और जब कृष्ण भगवान जब मरे थे तो इनको जलाते टाइम इनका पूरा शरीर जल गया था, लेकिन इनका हृदय बस बचा हुआ था, इसलिए इन जगन्नाथपुरी जगन्नाथ भगवान के हृदय में, दिल में इनका कृष्ण भगवान का हृदय धड़कता है। धन्यवाद। आपने बनाया है ये? हाँ, मैं और मेरी 3 और साथी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने इतना सारा कॉन्फिडेंस के साथ बोला है, बहुत अच्छा। आई प्राउड ऑफ यू, आउटस्टैंडिंग। सर, हमारे एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। अभी आर्ट एंड क्राफ्ट देखे थे, अब ये एक्सपेरिमेंट देखेंगे क्या है बनाया है बच्चे लोगों ने, मेहनत को अभी हम लोग बताओ इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करो। ये हाइड्रो पावर डैम है, इसकी मदद से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि पानी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, जब हम लोग यहाँ से पानी को रिलीज करेंगे तो वहाँ जाएगा। ठीक है, जब वहाँ पानी जाएगा तो ये इसमें प्रेशर लगेगा। ठीक है, जब प्रेशर लगेगा तो ये घूमेगा। अब घूमेगा तो उस प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो जनरेटर लगा इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, और इस वायर के थ्रू यहाँ पे पावर हब में जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट होगा, और उसके बाद हम लोग इसको अपने यूज के लिए ले सकते हैं। ठीक है, और बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है उसको देखेंगे। सर, ये हावड़ा ब्रिज है जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। इसकी ये खास बात है ना कि ये बिना पिलर का बना हुआ है। ठीक है, ये 1943 में बना था, जिसको ब्रिटिश एम्पायर ने बनाया था। ये आपने अकेले बनाया है? नो सर, पूरी टीम में। कितना टीम है आप लोग? सर 6-7 लोग। 6-7 लोग। कितना दिन बना? 5 दिन। बहुत बढ़िया।
ये एक रोड सेफ्टी मॉडल है जिसमें अगर हिली एरियाज में हर साल 400 लोग एक्सीडेंट से मर जाते हैं, उसी से बेस्ड हमने एक कंसेप्ट बनाया है जिससे अगर दोनों तरफ से गाड़ी आती है तो यहाँ पे एक साइरन बजने लगेगा जिससे हमारा एक्सीडेंट होने से बच सकता है और ये यहाँ से ये जा सकता है, इससे एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसे हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। थैंक यू। ये आपने अकेले बनाया? नहीं, ये जीएस के लड़कों का टैलेंट को मानना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। औरतों को घर में काम करने की मदद करता है। सो यहाँ से आप पानी लिक्विड जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं। फिर जब अपना फर्स्ट स्विच ऑन करेंगे तो सर ये उसे गिराना स्टार्ट कर देगा। फिर सर जब अपना सेकंड स्विच ऑन करेंगे तो सर ये रिमोट से कनेक्ट हो जाएगा और फिर सर ये पूरे घर में पोछा मार सकता है। सर ये इतना आसान है कि इसे बच्चे भी कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सर। इसका मतलब आप अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं? यस सर। तो फ्यूचर में अपनी मम्मी को देंगे? नहीं, यस सर, सर बनाया ही उन्हीं के लिए, सब बनाया ही उन्हीं के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग फ्यूचर में बहुत बड़ा काम करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, कितना दिन लगा इसको बनाने में? सर 5 days। और इसका आइडिया किसने दिया? सर हमारे टीचर्स ने और घर को देखकर। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जीएस के आर्ट एंड क्राफ्ट देखा और एक्सपेरिमेंट देखा, अभी हम लोग जा रहे हैं फन जोन देखने जहाँ बहुत सारे गेम्स हैं। चलिए चलते हैं फन जोन में, देखते हैं कौन कौन सा गेम है। फिलहाल हम उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी देख लिया, आर्ट एंड क्राफ्ट भी देख लिया, गेम जोन भी देख लिया, अब फिलहाल जो मेन चीज़ है फूड जोन, खाने पीने का वो देखते हैं। और ये है हमारा फूड जोन, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये फूड जोन है, यहाँ से हम लोग देखते हैं अब खाना, जूनियर बाकी है, खाना पीना अभी आर्ट एंड क्राफ्ट, शायद जूनियर भी बाकी है, यहाँ देखते हैं जूनियर वाला आर्ट एंड क्राफ्ट, यहाँ शायद जूनियर के जो लड़के हैं लड़कियाँ वो बनाते हैं। चलिए देखते हैं। जूनियर का आर्ट एंड क्राफ्ट देखकर बहुत ही अच्छा लगा, अब जा रहे खाना पीना देख रहे, यहाँ बच्चों ने कुछ बनाया है, क्या क्या है चलिए दिखाते हैं आपको। चलिए चलते हैं फूड जोन में, चलते हैं, बहुत गर्मी लग रहा है कुछ बहुत ज्यादा। सो गाइस बहुत ज्यादा भीड़ के कारण इस बार हम लोग नहीं देख सकते मेन्यू। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी फूड जोन पे, बहुत ज्यादा भीड़ है,
यार यहाँ का लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा है भाई। जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ का खाना ही खत्म हो जा रहा है गाइस, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर भी गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है जीएस में आज अपने स्कूल में भी आके हम लोग जितना कोशिश किए हैं उतने टीचर लोग से मिले। बहुत टीचर लोग शायद बाकी उन लोग से भी मिलेंगे धीरे धीरे, तो सेल्फी जरूर लेंगे। हमारे हिमांशु भैया, हिमांशु भैया आपको कैसा लग रहा है मेरे ओल्ड स्कूल में आके? भाई हम तो चकचौंधियाइल बनी पिया था ना, भी बढ़िया स्कूल वाला का। हमारा जीएस सबसे प्यारा स्कूल जीएस, इसका एक मेमोरी ही अलग है इसमें, मतलब जो मेमोरी जुड़ा हुआ है इस स्कूल से, पुराने मेमोरीज भाई उसका बात ही अलग है। चलिए और दिखाते हैं, और जो भी होगा आपका आशीर्वाद है। बस बस चल रहा है। अभी फिलहाल हमारे एक और सर मिले हैं, सर ब्लॉगिंग सर। सर और सब हाल चाल? बस चल रहा है। ठीक है सर, भूल गए हैं याद है? अरे नहीं याद है भाई, तुम लोग कहाँ अभी पढ़ाई कर रहे हो? सासाराम में सर, अब इंटर फाइनल। खिलाओ जी हमें। YouTube चैनल खोल लिया और इतने कंजूस हो। सब्सक्राइबर करवाओ। समझ नहीं आता। मेरा 11th क्लास का बुक दो। आप खिला सकते हैं हमें? क्यों नहीं खिला सकते? क्या नहीं क्या ना बोलो ना, सब अपना है, मेरा नाम ले लो, जाओ चलिए गोलगप्पे खिला दो। इतनी कंजूस से अच्छी नहीं लगती कि यूट्यूबर को खिलाएंगे तो मैं खिलाएंगे। सब्सक्राइबर ले लिया भैया जी, हमको भी खिलाइए। खिलाओ, चलो चलो लूटा जा। अब इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तुझे। मुझे टाइम चला रहा है, महीना का 80 लाख कमा रहे हैं। अस्सी लाख? अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। दिल पे हाथ रखे खाना पड़ रहा है। हेलो, दिल पे हाथ रखे खाना पड़ रहा है। 5 का 1 सबसे कीमती गुपचुप में चला जाएगा शायद। दिल पे हाथ रख लिए अब खा रहे हैं। Ourselves in light, hoping we'll survive, won't raise a white flag. Cause I'll die on the तो फिलहाल फ्रेंड्स आज हमने जीएस रेसिडेंटियल स्कूल, हमारा जो मेरा जो पुराना स्कूल है उसको आज मैंने उसका साइंस एग्जीबिशन एक्सप्लोर किया। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लड़कों का टैलेंट देखकर एक अलग ही मतलब कि लगता है कि हाँ यहाँ के लड़के टैलेंटेड है। और कुछ और इन्जॉय कीजिए और बने रहिए द किंग एडी ब्रदर्स के साथ। मिलते हैं इसी तरह, बाय बाय टाटा।